भीम काटते हुए आपको कैसे महसूस हो रहा है? मजा आ रहा है। हेलो, आपके पैरों में कितना दर्द होता है? बहुत दर्द हो रहा है। आप ऐसे कितनी टाइम तक लटके रह सकते हैं? मैं लगभग, आप टाइमिंग देख लो, मैं 5 या 10 मिनट तक रह सकता हूँ। सुबह से लट रहा हूँ, बाद में बेरोजगार हो जाएगी। वही तो बात ना। मतलब युवाओं के साथ धोखा है? हाँ, युवाओं के साथ है धोखा। तो इसकी बात मतलब 2024 में मोदी जी को हराना चाहिए। तो नमस्कार मित्रों, यहाँ पर आर्मी बॉयज तैयारी कर रहे हैं आर्मी के लिए, उनका मैं इंटरव्यू लूंगा और वो क्या क्या तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर काफ़ी दिनों से, सारी जानकारी आपको बता रहा हूँ। तो आप बने रहिए मेरे YouTube चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, अंधेरे में बच्चे तैयारी कर रहे हैं। हेलो, हम क्या बताएं? आप नहीं, आप इतने सारे बच्चे इकट्ठे होकर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये सभी लोग आर्मी की तैयारी करने के लिए। कुछ बताओ, थ्री दो शब्द क्या है? दो शब्द? हाँ हाँ, प्रेम। ठीक है, ये हमारे साथ प्रेम सेन है, पब सारी बताएंगे प्रेम। हाँ जी जी, ये जो आर्मी का ग्राउंड है यहाँ पर बनाया गया सरपंच द्वारा, इसमें यहाँ हमारे जो पास ही के गाँव है इनसे लड़के आते हैं और आर्मी की तैयारी करते हैं। सुबह शाम दोनों टाइम रनिंग करते हैं और ग्राउंड है वो बहुत अच्छा है। और ये जो अब रनिंग हो गई है बच्चों की, किसी ने 13 राउंड मारे, किसी ने 14 मारे, उसके बाद ये एक्सरसाइज हो रही है। हाँ, हो रही है और अच्छी तैयारी चल रही है। और मैं सभी को उम्मीद यही करता हूँ कि सभी किसमें भर्ती क्लियर हुए, रनिंग क्लियर हुए। हाँ, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी के साथ। अभी यहाँ पर एक्सरसाइज हो रही है, आप आओ प्रेम, आओ आप बताओ ये कौन सी एक्सरसाइज है, इसका नाम? ये एक्सरसाइज है जिससे जो पैर के अंदर पेन होता है ना, जब रनिंग करते हैं पेन मतलब दर्द होता है। हाँ, दर्द तो उसके कारण, क्योंकि जो झटके से पैर रखते हैं ना जब रनिंग करते समय। आपके पैरों में कितना दर्द होता है? पतली किन गाली दे रहा है। हेलो, आपके पैरों में कितना दर्द होता है? बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, पतली रड़ गई गाली। हेलो अशोक, ये कौन सा एक्सरसाइज है, इसका आप नाम बताइए। ये भाई साहब एक्सरसाइज है। हाँ जी, इससे क्या फायदा होता है, मतलब क्या बढ़ता है, सीना बढ़ता है या नहीं? जो तो अपन दौड़ करते हैं, दौड़ करते समय यहाँ से अपना दर्द हो रहा है पेट का। हाँ, वो कम हो जाता है, पेट दर्द होना कम हो जाता है। अच्छा, और ये दौड़ने के लिए फायदेमंद है, जो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। आप कितने टाइम से ये मेहनत कर रहे हो? 4 साल होगी मेहनत करते हुए। अच्छा, पर अभी मेरे को कोई फल नहीं मिला है। अब कितनी तारीख को है वो आपकी दौड़? मेरी तारीख है 8 तारीख को। 8, ये जो दिसंबर आ रहा है, अगली 8 तारीख जो दिसंबर आ रहा है, इसको मेरी तैयारी है। आपकी तो पूरी तैयारी है। मेरी पूरी तैयारी है। हेलो, आज आपने कितने राउंड लगाए? आज हमने 15 राउंड। कितने मिनट में? हेलो, कितने मिनट में कितने राउंड? 26 मिनट। 26 मिनट में 15 राउंड। अच्छा, अब आप घर जा रहे हो? हाँ। ये देखो, हेलो दिनेश, आप कुछ बताइए, कुछ कुछ क्या बताएं? आप कितने दिनों से मेहनत कर रहे हो, कितने महीनों से? 2-3 महीने। 2-3 महीने से आपकी मेहनत चल रही है। हाँ। और आप कितने मिनट में कितने राउंड निकालते हैं? अभी 6 मिनट में निकल रही है। 1600। हमारे साथ संतोष है, आप बताओ कितने दिनों से, महीनों से या वर्षों से आप मेहनत कर रहे हो आर्मी के लिए? 6 महीने हो गए मेहनत करते हुए। आप कितने मिनट में कितना राउंड निकालते हैं? ग्राउंड में 5.5 आ रहे हैं। 5.5, और कितने मीटर? 1600 मीटर। 1600 मीटर। हाँ जी। और आप क्या क्या खाते हैं घर पर? घर पे खाना दूध पीते हैं, गाय का देसी। हाँ। और चने, मूंगफली, किशमिश। अच्छा, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आर्मी बॉयज के हमारे यहाँ पर युवा है, इनसे मैं जानूंगा कि अग्निवीर की जो योजना है कितना फायदा है युवाओं को और कितना घाटा है। ये जो अग्निवीर की योजना है, ये देखा जाए तो आजकल की जो तैयारी कर रहे हैं उस अनुसार तो गलत है, क्योंकि जो लड़के हैं वो 5.5-6 सालों से तैयारी कर रहे हैं और आगे जाकर वो केवल 6 साल ही गवर्नमेंट जो जॉब है उसका लाभ दे पाएंगे। वैसे देशभक्ति का तो सभी को होता ही है शौक, लेकिन देशभक्ति के साथ में फैमिली का भी ध्यान रखना पड़ता है। जब हम केवल 6 साल ही वहाँ जाकर फौज की नौकरी करेंगे, फिर क्या करेंगे, ये भी सोचना पड़ता है। बाद में बेरोजगार हो जाएगी। वही तो बात है ना, मतलब युवाओं के साथ धोखा है। हाँ,
मतलब वैसे गवर्नमेंट की नजरों से सही है लेकिन युवाओं के साथ है धोखा। तो इसकी बार मतलब 2024 में मोदी जी को हराना चाहिए। वैसे मैं राजनीति में नहीं कहना चाहता लेकिन ये मतलब अग्नि जो ये योजना निकाली है ये बिल्कुल गलत है। ठीक है जी, अशोक हमारे साथ है, अशोक सारण। अशोक जी आप बताइए कि अग्निवीर के बारे में क्या फायदा है क्या नुकसान। अब अग्निवीर में एक बात देखी जाए तो लगभग उम्र कम कर दी है, पहले उम्र थी 23 साल है, अब उम्र कर दी है 20 साल है। अब 20 साल में देखी जाए तो बच्चों के लिए पूरा नुकसान है क्योंकि 20 साल में बच्चे कुछ नहीं कर पाते हैं, बारहवीं करते हैं, बारहवीं करने के बाद किसी की उम्र ज़्यादा होती है, किसी की उम्र कम होती है, फिर बाद में बच्चे तैयारी करते हैं अग्निवीर की। अब अग्निवीर वैकेंसी में फिर बाद में बच्चे वहाँ पे पहली भर्ती देखते हैं, पहली भर्ती में अगर भर्ती नहीं कर पाते तो दूसरी भर्ती देखते हैं, और रोज हो जाते हैं और रोज हो जाने के बाद में फिर बच्चे निराश होकर घर बैठ जाते हैं। और अग्निवीर ये भर्ती जो 4 साल के लिए रखी गई है, 4 साल में अगर हमें वहाँ पे जाए भर्ती सेना भर्ती में वैसे जाना चाहिए और 4 साल में वापस हम घर आ जाते हैं, ना तो फिर घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं अपन, तो कुल मिलाकर नुकसान है, कुल मिला के पूरा बुरा नुकसान ही नुकसान है। डाउन दो डाउन पांच डाउन छह। देखो इतनी सर्दी में भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं आर्मी की। भीम काटते हुए आपको कैसे महसूस हो रहा है? मजा आ रहा है। देखो आर्मी बॉय का जज्बा ऐसा होता है। हीरे राम जी आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। हीरे राम जी भीम निकाल रहे हैं, उनको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। एक उधर कर और यहाँ पर अशोक जी उल्टे लटक रहे हैं, नीचे फाटे हैं, पेटे भी पड़ सकते हैं। ये कौन सी सिचुएशन है? सिचुएशन बच्चे उल्टे लटक रहे हैं। इसे आपको कैसा लग रहा है उल्टा लटक कर? बताए तो क्या, फिर भी ठीक है जी। आपको डर नहीं लग रहा? नीचे पत्थर है ना, डर किस बात का? जो आप फौज की तैयारी कर रहे हैं, फौज में डर किस बात का? आपने सिर्फ आप पैरों पर लटके हुए हाथ छोड़ दिया, हाथ देखो मेरे पूरे खुले हैं, फौज पैरों पर लटका हुआ। ये तो बहुत खतरनाक स्टंट है। सुबह से लटका हुआ। आप ऐसे कितने टाइम तक लटके रह सकते हैं? मैं लगभग आप टाइमिंग देख लो, मैं 5 या 10 मिनट तक रह सकता हूँ सुबह से लटका। तब तो आपके पैर बहुत मजबूत है। आप खाते क्या है? खाते क्या है आप? मैं बाजरी का छोगरा, दही और दूध। आप तो देसी खाना खाते हैं? ऑल देसी। बिल्कुल आप देसी हो? हाँ पूरा मैं देसी हूँ। सिक्स पैक, आपके सिक्स पैक एब्स भी दिख रहे हैं? हाँ सिक्स पैक मेरे को नहीं दिख रहे हैं, आपको दिखते होंगे। हाँ आपका ये कोट आडा आ गया, तो उतार दी के हाथी में रियल में। ठीक है जी, एक दिन कौन टिकी हो यहाँ? क्या आप गिरे थे मालाराम जी? मालाराम कुछ कहो, आप कुछ बताइए। आपने अभी तक इंटरव्यू नहीं दिया। अरे इंटरव्यू है, खुद है अभी डॉन काट रहा है। मालाराम आप क्यों भाग रहे हैं? आप ये कैसे इशार कर रहे? आप कुछ बताइए।
बच्चा शर्मा रहा है। हेलो माला राम जी, आपको बहुत सर्दी लग रही है इसलिए आपने इतना मजबूत जैकेट पहन रखा है। आज माला राम कहीं टूर पर गया हुआ था। कहाँ पर? टिमरी। टिमरी, अच्छा। हाँ, ये भी टेस्ट करते हैं कैसे निकालते हैं आप। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप ये जींस पहन कर क्यों आते हो? लोअर है। अच्छा, लोअर है। ऊपर चढ़ कर आप ऊपर क्यों लटक गए? इनके आज टाइमिंग बराबर नहीं आई है इसलिए आज ऊपर लटक गए, नीचे उतरने की नहीं कर रहे। अच्छा, सब जो यहाँ के जिसके फ्रेंड है नीचे आने के लिए बोल रहे, नीचे नहीं आ रहा, अभी नीचे आगे देख लो आप। हेलो माला राम जी, आपने काफी देर से आप भाग रहे हैं, आप आपको इंटरव्यू देना अभी। माला रोड जाए, आप काफी देर से भाग रहे हो। माला माला लिपस्टिक करके आता है ग्राउंड। कुदरती अच्छा, क्यों आपने ये इतनी मजबूत बॉडी कैसे बनाई, बताओ कुछ। आपने इतनी मजबूत बॉडी कैसे बनाई? अभी बताओ ना, वो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा फिर। प्रेम, आप इसके साथ खड़े हुए, आप बताओ आपने ये ऐसी बॉडी कैसे बनाई, क्या खाया? बनी कहाँ बॉडी है? आपने क्या बकरे खाए आपने? आपके सामने माला जम कर रहा है, मज कर रहा है। आप तो बताए फिर भी डाइट रहता है। लड़की दूध और अंडे खाता हूँ मैं। अंडे भी खाते हैं आप? तब तो बहुत अच्छी बात है। ये डाइट है, ये डाइट है आपकी। मॉर्निंग। और क्या क्या खाते ही खाते हैं आप? बकरा ठोकता है, बकरा। और बकरा खाने में आपको कितना टेस्ट आता है? आर्मी बॉयज अब घर जा रहे हैं, एक गाड़ी पर तीन तीन सवारी, बहुत सर्दी है, देखो पूरा जाब्ता कर रखा है। दो और बैठेंगे इधर, देखो पूरा जाब्ता कर रखा है ये आर्मी बॉयज। ले ईसा, आर्मी बॉयज। क्या करवाना चाहते हो ये बताओ? एक बार बोलो भारत माता की। भाइयों बहनों बोलो, बोलो भारत माता की जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय भारत।